الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزان گرامی، محترم دوستو، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عشق میں مست پروانوں، یہ سال بھر میں ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو فراہم ہو جاتا ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر سے آشنا ہوتے ہیں اور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر کو اپنانے اور اس طرز فکر سے کچھ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دنیا میں ایک عرب آبادی انسانوں کی ہے، خربوں کی تعداد میں دوسری مخلوق آباد ہے، اسی طرح عالم میں انسانی شماریات سے باہر اور بھی دنیائیں آباد ہیں. ان دنیاؤں میں بھی انسان آباد ہے، جنات آباد ہے، فرشتے موجود ہیں اور انواع و اقسام کی جو مخلوقات ہم زمین پر دیکھتے ہیں وہ تمام مخلوق ان زمینوں پر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا نظام قائم کیا اور خود ہی فرمایا یہ سارا نظام انسان کی خدمت گزاری کے لیے بنایا گیا ہے اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دنیا پر موجود ہر مخلوق، ہر شے انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے. انسان خدمت کا اعتراف کرے یا نہ کرے، انسان اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب کبھی بھی انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، چاند، سورج، ستارے، کہکشائی نظام کیوں قائم کیے گئے ہیں، تو اس کو اس کے انر سے، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کی فکر سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ سب پوری کائنات انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے. پانی کی خصوصیات بھی سامنے ہیں اور پانی کی خدمت گزاری بھی سامنے ہے. اس کے بعد ہوا ہے، گیسز ہیں،
सूरज भी खिदमत गुजारे में मसरूफ है तो चांद भी खिदमत गुजारे में मसरूफ है, जमीन इस तरह खिदमत कर रही है कि हर वो चीज जिसकी इंसान को किसी भी हालत में जरूरत है वो अपने बदन से इंसान के लिए न सिर्फ ये कि पैदा कर रही बल्कि तसलसल के साथ उसको कायम भी रखे हुए। फिक्र की बात है, अगर सोचा जाए तो इंसान इस दुनिया का ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का हासिल है। इंसान जब अपने बारे में सोचता है कि मैं जमीन के लिए क्या करता हूं, मैं चांद के लिए क्या करता हूं, मैं सूरज के लिए क्या करता हूं, खला में जो फिजाएं हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं, तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता और तमाम चीजें मेरी खिदमत में मसरूफ है। अंदरूनी दुनिया का जब मुताला किया जाता है, इंसान के अंदरूनी सिस्टम का जब मुताला किया जाता है, वहां भी यही बात नजर आती है कि दिल भी इसकी खिदमत में मसरूफ है, फेफड़े भी इसकी खिदमत में मसरूफ है, दिमाग भी इसकी खिदमत में मसरूफ है, और इस तरह मसरूफ है कि इसको इस बात का इल्म ही नहीं है कि दिल की हरकत मुसलसल क्यों कायम है, किस बुनियाद पर कायम है। रगों में खून का दौड़ना, एक तबादलों के साथ हरारत का रहना, प्यास लगना, पानी पीना, पानी का सैराब करना, फिर जिस्म के अंदर से फासिद रतूबात को, फासिद बातों को पानी का खारिज करना, भूख लगना, कुछ खाना, खाने के लिए वसाइल की मौजूदगी और मुसलसल वसाइल का फराहम होना, जितना ज्यादा आप गहराई में सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर अल्लाह ताला का यह इनाम खुलकर सामने आ जाएगा कि सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है और इंसान इस कायनात के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। कदर नजर इसके कि इंसान कायनात के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मसलन अगर वो जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता है तो जमीन को वो कुछ नहीं दे रहा, उस खेती बाड़ी से अपने ही लिए वसाइल पैदा कर रहा है। अगर जमीन के ऊपर आप गंदुम काश करते हैं तो उस जमीन के गंदुम के काश को आप कभी ये नहीं कह सकते कि इस गंदुम के बोने से जमीन का कोई फायदा है। अगर आप जमीन पर कोई दरख्त लगाते हैं और उस पर फल लगता है तो कोई भी निशूर आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जमीन पर जो फल लग रहा है उस फल का फायदा जमीन को पहुंच रहा है। जमीन के ऊपर अगर दूध देने वाले जानवर हैं और उसकी नस्ल कसी करके इंसान उसमें इजाफा कर रहा है तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि उन जानवरों की नस्ल कसी में जमीन का कोई फायदा है। जानवर होंगे दूध भी इंसान पिएगा, जानवर होंगे गोश्त भी इंसान खाएगा, जानवर होंगे उसकी खाल से जूता भी इंसान के लिए ही बनेगा।
परिंदे आ जाइए, परिंदों की भी सूरत ये है कि परिंदे पैदा होते हैं, इंसान उनको न परवरिश करता है न पालता है, कुदरती तौर पर परिंदे पैदा होते हैं। उससे भी यही बात निकलती है कि जमीन का कोई फायदा नहीं है, ये परिंदों से जो जमीन को जीनत मिलती है उससे भी इंसान ही खुश होता है। किसी भी तरह गौर करें तो एक ही बात सामने आती है कि ये सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया। न सिर्फ ये कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, बल्कि हर चीज को इंसान के लिए अल्लाह ताला ने महकूम बना दिया। हुक्मन وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمان تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں نا، ابھی تو زمین کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تمہارے لیے محکوم کر دیا گیا، تمہارے تابع کر دیا گیا، تمہاری خدمت گزاری کے لیے ان کو متعین کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر انسان میں کیا خصوصیت ہے کہ ساری کائنات انسان کے تابع کر دی اور انسان کو کسی کے تابع نہیں کیا؟ مطلب وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سورج کے تابع ہوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاند کے تابع ہوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زمین کے تابع ہوں۔ البتہ یہ تجرباتی اور مشاہداتی بات ہے کہ زمین کے اوپر ہر موجود شے انسان کے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور سماوات ایک آسمان نہیں، سماوات، سماوات میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ سماوات میں کیا ہے؟ جنات ہیں۔ سماوات میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ عرش ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ کرسی ہے۔ تو زمین سے اٹھ کر جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ یہ سب فضیلت انسان کو کیوں دی گئی؟ سوچنا یہ ہے کہ آخر انسان نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اتنا انعام اور اکرام اس کے اوپر کیا کہ پوری کائنات اس کے تابع ہو گئی، پوری کائنات اس کی خدمت میں مصروف ہے اور انکار نہیں کر سکتے۔ کبھی نہیں کسی نے دیکھا کہ سورج نے انکار کیا ہو کہ صاحب میں تو زمین کے فلاں خطے پر تو دھوپ دوں گا، فلاں خطے پر دھوپ نہیں نکالوں گا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چاند نے یہ کہا ہو کہ صاحب میری چاندنی سے تو وہ لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں جو لوگ میری خدمت کریں، میری تعریف کریں۔ یہ ایک مخصوص کوئی گروہ ہے جو میری خدمات سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ پانی نے کبھی انکار نہیں کیا، ہوا نے کبھی انکار نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان کے اندر جو زندگی دوڑ رہی ہے اس زندگی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے انسان کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟
और जब इतना बड़ा इनाम और इकराम अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर किया है तो अल्लाह ताला इंसान से क्या चाहते हैं? सारी कायनात को इंसान के लिए मुसख़र कर दिया, सारी कायनात को इंसान की खिदमत गुजारी में मसरूफ़ कर दिया, सारी कायनात को इंसान के लिए पाबंद कर दिया। आखिर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो किया है अपनी रहमत से, अपने इकराम से, अल्लाह ताला इंसान से क्या चाहते हैं? और अगर अल्लाह ताला इंसान से कुछ चाहते हैं तो उस चाहने की बुनियाद भी इंसान के अंदर है, वो क्या है? तो आप जरा सा भी गौर करेंगे, ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब कोई किसी पर इनाम और इकरामात की बख्शिश करता है तो उसका एक मकसद होता है, वो ये कि वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है और उससे कुर्बत हासिल करना चाहता है। मसलन आप किसी साहब के साथ अच्छा शुरू करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसकी ज़रूरियात की किफालत करते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये बंदा जिसकी तुम इतनी खिदमत कर रहे हो, हर किस्म के इसके साथ तआवुन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप ये कहेंगे भाई ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसकी खिदमत करता हूँ। और जाहिर है जब आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी चाहते हैं कि वो बंदा आपसे करीब हो, जब अच्छा लगेगा तो कुर्बत होगी ना। तो सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला इंसान से ये चाहते हैं कि इंसान अल्लाह का दोस्त बनकर रहे और इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो। ये सारे इनाम इकरामात जो हैं वो इस वजह से कि इंसान कभी तो नाशुकरा भी है, कुफरान नेमत भी करता है, जालिम भी है, जाहिल भी है, बेअकल भी है, कभी भी इसका जहन इस तरफ जाएगा कि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती कि जिसने पूरी कायनात को मेरे लिए खादिम बना दिया है, वो अल्लाह कौन है? जिसके इतने इनामात और इकरामात है वो अल्लाह कौन है? क्या हस्ती है? वो उससे क्या चाहती है? क्यों मेरे ऊपर इतने इनामात और इकरामात उसने किए? जब वो हस्ती आपके जहन में आ जाएगी, पहली बात तो ये है कि यहाँ आदमी पैदा होता है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक जिंदा रहता है, पानी भी पीता है, सूरज और चांद से भी फायदा उठाता है, जमीन के अंदर से पैदा होने वाली तमाम अशिया को इस्तेमाल भी करता है, सोता भी है, जागता भी है, शादी भी करता है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता कि ये सब कुछ कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसका जहन ही कभी अल्लाह की तरफ नहीं जाता। ये जहन का अल्लाह की तरफ न जाना ही जुल्म और जहालत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अरज़नल अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल, हमने अपनी अमानत समावात को पेश की, जमीन को पेश की, पहाड़ों को पेश की, सबने इंकार कर दिया। और इंकार की बुनियाद ये बताई आसमानों ने भी, जमीन ने भी, पहाड़ों ने भी,
कि हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि हम आपकी इस अमानत को अपने नातवा कंधों पर उठा सकें। और इंसान ने इस अमानत को उठा लिया, वो हमलावर इंसान बगैर सोचे समझे उठा लिया उसने। इन नौकान जलूम जहूला, बेशक ये जालिम और जाहिल है। जालिम और जाहिल अल्लाह ताला ने ये इसलिए फरमाया कि अमानत से मुराद सलाहियत, अमानत से मुराद सकत, अमानत से मुराद ज़हनी इस्तेदाद, अमानत से मुराद रूह की ताकत, अमानत से मुराद कुव्वत प्रवास, ऐसी कुव्वत प्रवास जब इंसान उस कुव्वत प्रवास से वाकिफ हो जाता है तो सातों आसमानों से गुजरकर अर्श से भी ऊपर निकल जाता है। वो सलाहियत इसने बगैर सोचे समझे कबूल कर ली। अब वो बगैर सोचे समझे सलाहियत तो कबूल कर ली, लेकिन कभी उस तरफ सोचता नहीं है। यानी अमीन है अल्लाह ताला का, कायनात में वाहिद मखलूक है अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की अमीन है, खालिक कायनात की अमीन है। और इस अमीन मखलूक की हालत यह है कि वो दुनिया के कीचड़ में तो लतपत हो सकता है, लेकिन कभी इसका ज़हन उस अमानत की तरफ कभी नहीं जाता। आज भी जिंदगी पर मस्त है, पैसा दौलत सोना चांदी बच्चे बीवी सब कुछ, इसी को वो अपनी जिंदगी समझ रहा है, जबकि इसकी जिंदगी की असल जो है वो अमानत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की। और कायनात में किसी दूसरी मखलूक को ये सलाहियत हासिल ही नहीं है। वो मखलूक जिन्नात हो, मखलूक फरिश्ते हो, वो मखलूक आलमीन में जो दुनिया है उनमें से कोई भी मखलूक हो, वहां भी दूसरी दुनिया में भी इसका अमीन इंसान ही है। दूसरी दुनिया में भी अमीन इंसान के अलावा कोई नहीं। ये अल्लाह ताला के जो इनामात इंसान के ऊपर हैं, ये इसलिए है कि इंसान इन नेमतों को जो इनामात उससे हासिल है इन्हें याद करे और उन नेमतों के हुसूल के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। जब शुक्र करेगा अल्लाह ताला की तरफ ज़हन खुद ब खुद मुंतकिल होगा। जब अल्लाह ताला की तरफ ज़हन मुंतकिल होगा अंदर तजस्सुस पैदा होगा, तलाश पैदा होगी, कौन है वो ज़ात जिसने मेरे ऊपर जमीन और आसमानों के खजाने खोल दिए और मुझसे वो क्या चाहती और मैं उसकी क्या खिदमत कर सकता हूं। खाते अलमिया नहीं है, पहनते अलमिया नहीं है, घर की अलमिया को जरूरत नहीं है, शादी वो नहीं करते, बाप वो किसी के नहीं, बेटे वो किसी के नहीं, खानदान उनका कोई, फिर आखिर वो क्या चाहते हैं। सिर्फ एक बात चाहते हैं, अल्लाह ताला इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। और इस दोस्ती की तलाश में अल्लाह ताला ने इन्हीं इंसानों में 1,24,000 पैगंबर अपने दोस्त बनाकर इस दुनिया में भेजे, ताकि कोई भी फर्द वाहिद ये ना कह सके कि इंसान के अंदर तो सलाहियत ही नहीं है कि वह अल्लाह का दोस्त बन सके। इंसान के अंदर अगर सलाहियत न होती तो इंसानी बिरादरी में 1,24,000 पैगंबर पैदा ना होते।
इंसान के अंदर अल्लाह ताला से दोस्ती करने की सलाहियत न होती तो आदम की औलाद में अल्लाह ताला अपना महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बनाते। जिन्नात भी बना सकते थे, फरिश्तों भी बना सकते थे, पर अपने महबूब को इतनी कुर्बत अदा की कि जो किसी भी मखलूक को अल्लाह ताला ने कुर्बत अता नहीं की। बात सीधी सी है कि आदम के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत वदियत कर दी है कि वो अल्लाह ताला की दोस्ती का दम भर सकता है, अल्लाह ताला का दोस्त बन सकता है और उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह ताला के करीब रहकर, अल्लाह ताला को देखकर, अल्लाह ताला की बातें सुनकर अल्लाह ताला का मिजाज आशना हो सकता है। इंसान की फजीलत, इंसान का शर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि इंसान के अंदर थोड़ी सी अकल ज्यादा है। कितनी भी अकल ज्यादा हो, कितनी अकल ज्यादा होगी इस जमीन के ऊपर, इंसान का शर्फ अकल की बुनियाद पर नहीं। इंसान का शर्फ ये कि इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है कि जब वो सलाहियत बेदार और मुतहर्रिक हो जाती है तो इंसान जमीन आसमानों के किनारों से बाहर निकल कर अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला को सामने देखकर अल्लाह ताला के कदमों पर अपना सर रख देता है। इस सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान ही हुआ था कि अब ये सलाहियत तो मौजूद है लेकिन इस सलाहियत को इंसान ने जंग लगा दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को जब तख्लीक किया तो पहले उसका पुतला बनाया और वो पुतला ऐसा पुतला बनाया कि उसके अंदर खला था। खला में मैंने अपना नूर डाल दिया। क्यों नूर डाल दिया? इसलिए नूर डाल दिया कि अगर इंसान के अंदर नूर न हो और अल्लाह ताला नूर है तो इंसान के अंदर अगर नूर न हो तो चूंकि नूर नूर को पहचान सकता है, अल्लाह ताला को इंसान नहीं पहचान सकता था अगर इंसान के अंदर अल्लाह ताला अपना नूर न उंडेल देते। वो नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, एक पुतला है, एक खला है, मैंने उसके अंदर अपनी रूह डाल दी। रूह को नूर के अलावा दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। हर इंसान के अंदर एक नूर है और वो नूर इसलिए है कि नूर नूर को पहचान सकता है, नूर नूर से करीब हो सकता है। लेकिन इंसान ने क्या किया कि उस खला में जहां नूर है अपनी महदूद तर्ज फिक्र से, बहुत छोटी सी तर्ज फिक्र, दुनिया की मोहब्बत से, हिर्स से, लालच से, सोने चांदी के सिक्कों के इश्क से, उस नूर के ऊपर एक गिलाफ डाल दिया, एक पर्दा डाल दिया। यानी जिस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने, जिस इंसान के खला में अल्लाह ताला ने रोशनियां भर दी थी, नूर भर दिया था, इंसान ने अपने इरादे से और इख्तियार से उस नूर के ऊपर गहरे अंधेरे की चादर डाल दी, कसाफत से खुद को भर दिया है। अब आप ये देखें, आपके पास एक बर्तन है, प्याला है, उसके अंदर बेहतरीन खुशबू है, प्याले की तह में बेहतरीन खुशबू है,
उस प्याले के ऊपर आप अपनी मर्जी से कीचड़ डाल दें तो आप ये नहीं कह सकते कि इस प्याले में खुशबू नहीं है। खुशबू तो है, आपने उस खुशबू को गंदा कर दिया, आपने उस खुशबू के ऊपर तापुन डाल दिया। लेकिन प्याला मौजूद है, प्याले में खला भी मौजूद है, प्याले में खुशबू भी मौजूद है। अब भी अगर आप उस प्याले को साफ करना चाहें, कीचड़ अलग करके प्याले को मांझ कर कलई करके फिर साफ सुथरा प्याला कर सकते हैं। इस प्याले को साफ करना गंदगी से, गिलाजत से, और उस प्याले के अंदर जो खुशबू है उसको दोबारा बहाल कर देना, यही सब रूहानियत है। रूहानियत का मतलब ही है कि इंसान के अंदर जो ताफुन और गिलाजत भरी हुई है, उस ताफुन और गिलाजत में जो खुशबू छुप गई है, बर्तन गंदा हो गया है, उस बर्तन को साफ कर दिया जाए, मांझ दिया जाए और उसको खलाई कर दिया जाए। पीर मुर्शिद का यही काम है कि जब कोई उसका दोस्त उसके करीब आ जाता है या वो उसकी इसलाह का जिम्मा ले लेता है तो पहले ही दिन से वो उस प्याले को, उस बर्तन को साफ करना शुरू कर देता है, धोता रहता है। मुरीद फिर प्याले को गंदा कर देता है, वो फिर धोता है, मुरीद फिर प्याले को गंदा कर देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक पीर अपने मुरीद के लिए भंगी बन गया, उसके ताफुन को धो रहा है और धो के धुला के उसे साफ सुथरा करता है, वो फिर गंदा कर देता है। हुजूर कायद बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफे मुझसे फरमाया कि बाज हालात में ऐसा होता है कि पीर और मुर्शिद अपने मुरीद के अंदर से ताफुन वो अलग करता है, साफ करता है, बार बार साफ करता है, वो उसे फिर गंदा कर लेता है, फिर साफ करता है, फिर उससे गंदा करता है। तो ऐसा भी होता है कि सारी जिंदगी वो एक आदमी की सफाई पर लगा रहता है और आखिर में वो फिर खुद को गंदा कर लेता है और पीर मुर्शिद महरूम इस दुनिया से चला जाता है। अब इसका मतलब बहुत वाज़े है। मसलन आप किसी सिलसिले में दाखिल हो गए, आपका कोई उस्ताद है, अब वो आपकी तरबियत उसने शुरू कर दी, आपसे ये कहता है कि भाई ये जो दुनिया है, ये दुनिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा की है, तुम्हें दुनिया के लिए पैदा नहीं किया। उसकी समझ में ये बात नहीं आती। दुनिया का इन्हिमाक, दुनिया का लालच, तमा, हिर्स उसके ऊपर मुसल्लत रहती है। तो इसका साफ मतलब ये है कि दुनिया के हिर्स और लालच जिस सिवाय ताफुन और गंदगी कुछ भी नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त, बड़े अकीदतमंद, बड़े अच्छे। मैंने कहेंगे बाबा और रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि साहब ये इनकी तरक्की क्यों नहीं होती, लाखों की करोड़ों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ लिया, लाखों की करोड़ों की तादाद में या हय्यू या क़य्यूम का वर्द कर लिया, नवाफिल पढ़ते हैं, सात वक्त की नमाजें पढ़ते हैं,
پیر و مرشد کی عقیدت کا یہ حال ہے کہ پیر و مرشد کی شان میں بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں, ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, آخر ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں فرمایا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے دل میں اولاد کی محبت بھر گئی ہے. تو میں کہا حضور, اولاد کی محبت تو ایک فطری عمل ہے, قدرتی عمل ہے. کہنے کہ اولاد کی محبت بلا شبہ فطری عمل ہے, لیکن اولاد کی محبت میں اگر خدائی محبت غالب آ جائے تو اولاد یہ فتنہ بن جاتی ہے. اور اولاد کی محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد دیے, مجھے یہ کھلونا دیا ہے, میری خوشی کا سامان ہے, تو یہی اولاد اللہ کی نعمت بن جاتی ہے. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے پچھلے دن, وہ رو رہے تھے بہت دور دور سے کہ صاحب میرا بیٹا ہے, اس نے میرے 3 کروڑ روپے غصب کر لیے. تو میں نے کہا بھائی 3 کروڑ روپے تمہارے اگر اس نے غصب کر لیے تو تمہارا ایک ہی بیٹا ہے, اور آپ تو کوئی ہے نہیں, جب تم مرو گے تب بھی تو اسی کا ہے, تم صبر کرو, روتے کیوں پھرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی عظیمی صاحب میں صبر تو کر رہا ہوں, میں صبر کر ہی لیا, مجھے وہ تھوڑے ہی ملیں گے, لیکن اب تو صورت حال یہ اس نے میرے 3 کروڑ روپے پہ بھی قبضہ کر لیا. اب وہ کہتا ہے تجھے مولانا اے جی کے جو اولڈ ہوم ہے بڈھوں کا وہاں ڈال کے آؤں گا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا ذہن, اس بندے کا ذہن اللہ کی طرف نہیں گیا, اسی لیے آیا کہ اولاد ٹھیک ہو جائے. یہ صورتحال اور دنیاوی معاملات ہیں, گھر ہے, کاروبار ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, بیوی ہے, شوہر ہے. اگر اولاد سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہے, اگر شوہر سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفیق سفر عطا کیا ہے, اگر بیوی سے اس لیے تعلق خاطر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں اکیلا تھا, مجھے ایک ایسا بندہ دے دیا ہے جو میرا ہمراز و دمساز ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں اگر اللہ کو آپ نے شامل کر لیا, یعنی دینے والے کو شامل کر لیا, یا دینے والی ہستی کا اعتراف کر لیا, تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت ہیں. اور اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے عذاب ہیں, اور عذاب بن کر آپ کے اوپر مسلط رہیں گی, آپ کو بے چین کریں گی, اور آپ کو کبھی زندگی میں سکھ اور چین کا سانس نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو خوش ہونے کے لیے بچے دیے, اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو رفیق سفر عطا کیا. بیوی شوہر سے ڈرتی ہے, شوہر بیوی سے ڈرتا ہے, اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے, ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قبر میں نہ بیوی ساتھ جاتی ہے, قبر میں نہ شوہر ساتھ جاتا ہے, قبر میں نہ اولاد ساتھ جاتی ہے. یہ ایک دنیاوی نظام ہے, اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک سسٹم بنایا. بھائی دیکھیے نا, اگر یہاں باپ نہ ہو, ماں نہ ہو, اولاد نہ ہو, یہ دنیا چلے گی کیسے؟ ماں باپ اولاد ہوگی تو دنیا میں رونق ہوگی نا, ماں باپ اولاد ہوگی, دنیا کی شادی ہوگی تو دنیا پہ گھر بنیں گے, دنیا پہ فیکٹریاں لگیں گی, دنیا میں کاروبار چلیں گے. لیکن ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا حاصل ہی ہے کہ ہم اولاد کی خدمت کریں,
औलाद की बातें सुनते रहे, औलाद के जूते खाते रहे और कब्र में चले जाए। औलाद कभी जाके कब्र पे दो फातिहा के लफ्ज भी नहीं पढ़ती, दो फूल भी नहीं चढ़ाती। हमने तो नहीं देखा कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ मर गई हो, हमने तो कभी नहीं देखा कोई बच्चा अपनी माँ के साथ मर गया हो। माँ भी यही कहती है मरने के बाद कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी मेरी आंखों से दूर कर दो ताकि मैं इसे देख न सकूं, इसे मिट्टी के गड्ढे में दबाओ। बच्चे भी ये कहते हैं माँ को कि अम्मा मर गई, अब इसका क्या करना, अब तो ये सड़ जाएगी, इसके अंदर से बदबू उठेगी, घर में बीमारी फैल जाएगी, जल्दी से इसे दफा करो, कब्र में जाकर डाल के आ जाओ। जो हकायक है वो ये, यानी जब तक अल्लाह का नूर है इस जिस्म के अंदर, आप उसको अपना समझ रहे हैं, और जब अल्लाह का नूर इस जिस्म से अपना रिश्ता तोड़ लेता है तो आप अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं। इसके बावजूद भी आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, इसके बावजूद भी कभी आपके जहन में ये बात नहीं आती कि भाई यहां हर आदमी जो जिंदा और मुतालिक है वो जिंदगी दरअसल अल्लाह की रूह है, अल्लाह का नूर है और खुद अल्लाह है। कोई इंसान जिंदा नहीं रहता अगर उसके अंदर अल्लाह का रूह ना हो, यानी अल्लाह खुद मौजूद ना हो। हर आदमी के अंदर अल्लाह की रूह काम कर रही है, सीधी सी बात है, हर आदमी अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत को अल्लाह से अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाते मैंने खला से बनाया, इंसान को खला से बनाया और इसके अंदर अपनी रूह डाल दी। अब अल्लाह ताला का फरमान है और आप जरा गौर करें, इंसान ही को ले हम दिमाग से चले, दिमाग की खोपड़ी में अंदर खला, नाक को ले लें खला, हलक को ले लें खला, मुंह की बत्तीसी को ले लें बीच में खला, पेट ढांचा खला, दिल को आप चीर लें उसके अंदर खला, फेफड़े को आप ले लें वो सारा का सारा स्पंज निजाम है, सुराख ही सुराख, फूंक मारे तो इतना बड़ा फेफड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा बकरियों को लटका के रखते हैं, गुर्दे वो खला, मसाना वो खला, आते आते तो है ही खला, नलकियां हैं सारी, मैदा वो खला। तो इसका मतलब ये है कि इंसान मुकम्मल खला है, अगर इंसान खला नहीं होगा तो उसके अंदर एनर्जी कैसे दौड़ेगी, अगर इंसान खला नहीं होगा तो उसके अंदर खून कैसे दौड़ेगा, और अगर इंसान खला नहीं होगा तो उसके अंदर नूर कैसे रहेगा। जब इंसानी जिस्म का तजिया किया जाता है, जिसको आप ह्यूमन बॉडी कहते हैं, जब उसको देखा जाता है तो वहां आपको खला के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। अब ये पिंडली की हड्डी है, इसमें भी खला है, अभी देखो ना पिंडली की हड्डी में वो गुली निकलती है, मींग जैसे कहते हैं। अच्छा, जिस हड्डी में मींग नहीं है गुली नहीं है उसको आप देखें उसके अंदर सुराख 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 पसली आपने देखी होगी, वो भी खला। आंख अंदर खला, कोई चीज आप ऐसी नहीं निकाल सकते इंसान के अज्व में जो खला ना हो। जमीन को आप ले लें वो भी खला, अगर जमीन के अंदर खला ना वो हल ही नहीं चलेगा, बीज ही नहीं जाएगा, दरख्त की रशुनुमाई नहीं होगी। सूरत हाल जो समझने की वो ये है कि इस खला को कौन चला रहा है, ये खला क्यों मुतारिक है। वाह, सीधी सी बात यह कि भाई इस खला के अंदर रूह घुसी हुई है,
जब तक रूह खला के अंदर रहती है, ये खला चलता फिरता रहता है, बोलता रहता है, रोता रहता है, हंसता रहता है। और जब इस खला से वो रूह अपना रिश्ता मुनक़ कर लेती है, अब ये ना हंसता है ना बोलता है, एक बेकार शय हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा चलना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा उठना, मेरा बैठना इस बुनियाद पर कायम है कि मेरे अंदर अल्लाह की रूह यानी अल्लाह का नूर काम कर रहा है। काम मेरे अंदर रूह कर रही है, मेरी जिंदगी का जामिन नूर है, भूख मुझे नूर लगा रहा है, प्यास मुझे नूर लगा रहा है, लेकिन मैंने कभी नूर की तरह तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता रोटी मेरी ऐसी जरूरत बन गई है कि मैं उसके लिए दीन भी बेच सकता हूँ, दुनिया भी बेच सकता हूँ, खुद को भी फरोख्त कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये जो इतने बड़े इनाम और इकराम इंसान के ऊपर नाजिल किए, तसल्लुक़ के साथ आज भी है, नाजिल हो रहे हैं, कल भी होंगे, कल हो भी रहे थे, आदम से लेके अब तक जब तक क़यामत आएगी, उसकी वजह ये नजर आती है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इंसान का ज़हन अपनी रूह की तरफ हो। जब इंसान का ज़हन अपनी रूह की तरह मुतवज्जे होगा तो जाहिर है रूह अल्लाह का हिस्सा है, तो ऑटोमेटिक अल्लाह की तरह मुतवज्जे होगा। और अगर इंसान का ज़हन अपने अंदर मुतवज्जे नहीं होगा, अपनी रूह की तरह मुतवज्जे नहीं होगा, तो कभी भी अल्लाह की तरफ उसका ज़हन मुतवज्जे नहीं होगा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हदीस कुदसी है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने मोहब्बत के साथ मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि मखलूक मुझे पहचाने, ताकि मखलूक मुझसे राबता कायम करे, ताकि मखलूक मुझसे करीब हो जाए और उसको मेरी दोस्ती का शर्फ हासिल। अब सूरत हाल यह है कि सारी दुनिया में एक इस्तराब है, बेचैनी है, परेशानी है, हर घर में आप देखेंगे मुसीबत आई हुई है, हर शख्स किसी न किसी मसले से दो चार है। उस मसले को हल करने के लिए तो अल्लाह की तरह मुतवज्जे होता है वो, लेकिन खुलूस नियत से कभी अल्लाह की तरह मुतवज्जे। यानी आयतुल कुर्सी में इसलिए तो पढ़ता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, आयतुल कुर्सी इसलिए तो पढ़ता है कि मेरा कर्ज उतर जाए, आयत करीमा का खत्म इसलिए तो वो करता है कि मेरे बच्चे के ऊपर जो मुकदमा है उससे वो आजाद हो जाए। लेकिन कभी वो आयतुल कुर्सी इसलिए नहीं पढ़ता कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह एक ऐसा जिंदा, ऐसा कायम अल्लाह है, अल्लाह की ऐसी ज़ात है जो कायम भी है, जो जिंदा भी है, जो जिंदा रखती भी है, और अपने मखलूक की खिदमत में इस तरह मसरूफ है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न वो उसको ऊब आती है न उसे नींद आती है, वो हर वक्त हरान हर लम्हा अपनी मखलूक की खिदमत में मसरूफ, सोता भी नहीं है, इनता ये ऊँगता भी नहीं। कभी किसी आदमी का ज़हन इस तरफ नहीं जाता कि वो अल्लाह जो न कभी ऊँगता है न कभी सोता है, मखलूक को जिंदा भी रखे हुए है, मखलूक के लिए वसाइल भी पैदा कर रहा है, उसकी तरफ अगर हम मुतवज्जे हो जाएं
तो ये कायनात तो सारी हमारी है। आयतल कुर्सी मुलाजमत के लिए पढ़ना, कर्ज की अदायगी के लिए पढ़ना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया जीफतुन, दुनिया क्या है? दुनिया फुजला है, पखाना है, गंदगी है, ताफुन है। अब दुनिया जीफत, जरा आप गौर तो करें कि जब कोई आदमी आयतल कुर्सी का सहारा लेता है दुनिया के हुसूल के लिए, वो कर क्या रहा है? यानी ताफुन को, गंदगी को, पखाने को, फुजले को हासिल करने के लिए आयतल कुर्सी पढ़ रहा है। क्या ऐसे इंसान खुश होगा? क्या ऐसे इंसान को कभी सुकून मिल सकता है कि जो अल्लाह का नाम लेकर गंदगी तलब करे, जो अल्लाह का नाम लेकर ताफुन हासिल करे, जो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से दूरी को दावत दे? हर शख्स ये कहता है दुनिया बेसुकून है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बेसुकून है, बड़ी परेशानी है। परेशानी की बुनियाद इसके अलावा कुछ नहीं है कि इंसान ने वसाइल को अहमियत दे दी है, वसाइल की कीमत लगा दी है, वसाइल का गुलाम बन गया है, और जिसने वसाइल पैदा किए उसकी तरफ कभी वो तवज्जो नहीं करता। आपके एक बादशाह से दोस्ती है, आप उसके दस्तरखान की तो तारीफ करें और बादशाह की तारीफ न करें, क्या इसको अकलमंदी कहा जा सकता है? बादशाह की दोस्ती का तो मतलब ही है कि जितनी भी दुनियावी नेमतें हैं वो ऑटोमेटिक आपको हासिल होंगी, इस बुनियाद पर कि आप बादशाह के दोस्त हैं। अगर आप बादशाह के दोस्त हैं, बादशाह के जितने भी दरबारी हैं वो पाबंद है इस बात के लिए कि आपकी खिदमत करें, वो पाबंद है इस बात के लिए कि आपकी तमाम जरूरियात की हिफाजत करें, वो पाबंद है इस बात के लिए कि आपके जहन में कोई बात आए तो वो फौरन पूरी हो जाए। और अगर आप बादशाह के दरबार में जाकर बादशाह को नजरअंदाज कर दें, वो दरबारी आपकी तरफ कभी तवज्जो नहीं देंगे। यही सूरत हाल अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। जब अल्लाह ताला के चाहने के मुताबिक, जब अल्लाह ताला के मंशा और मर्जी के मुताबिक कोई बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है, तो अल्लाह के दरबारी उसकी खिदमत के लिए सब बस्ता खड़े हो जाते हैं। वो अल्लाह के दरबारी कौन है? वो अल्लाह के दरबारी फरिश्ते हैं। आप ये देखिए, आप क्या सौदा क्या कर रहे हैं? अल्लाह से दूरी के बाद आप उन तमाम चीजों से महरूम हो रहे हैं जो चीजें खुद अल्लाह ताला ने आपके लिए मुसख्खर कर दी हैं, आपके ताबे कर दी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मेरा दोस्त बन जाता है तो उसके ऊपर से गम और खौफ खत्म हो जाता है। अब इस जिंदगी में अगर आप सोचें कि मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है, उसको आप दो लफ्जों में बयान कर सकते हैं कि मुसीबत और परेशानी का मतलब गम और खौफ। भाई गम और खौफ से ही तो परेशानी होती है, गम और खौफ से ही तो मुसीबतें आती हैं। कोई चीज छिन जाएगी, कोई चीज नहीं मिलेगी, यहां जाएंगे तो मर जाएंगे, या खौफ हो गए, गम हो गए, यानी परेशानी की अगर आप तारीफ बयान करें कुरान की नुक्ते नजर से, तो यही कहा जाएगा परेशानी का मतलब यह है कि अगर किसी बंदे के अंदर गम और खौफ है तो वो परेशान है, वो बेसुकून है, वो मुसीबत ज़दा है, वो मसाइल में घिरा हुआ है।
वो बेचैन है, बेकरार है, नींद भी नहीं आती, ब्लड प्रेशर आप ही देखिए, अगर कोई आदमी पुरसकून हो, खुश हो, उसे कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है? कोई आदमी पुरसकून हो, खुश हो, कभी पागल होता है? कोई आदमी खुश हो, सुकून हो, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही हो, कभी वो रोता है? इसका मतलब ये हुआ कि गम और खौफ जहां होगा वहां बेसुकूनी होगी, और जब तक बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं बनेगा, गम और खौफ में मुब्तला रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये शर्त लगा दी है कि गम और खौफ से वही लोग आजाद होते हैं जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। कि रूह अल्लाह के दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान बातनी वजूद में अल्लाह का दोस्त है, और जाहिरी वजूद में वो उस दोस्त को खत्म करके अल्लाह से दुश्मनी मोड़ ले रहा है। दोस्ती कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती, कोई आपको सफर नहीं करना पड़ता, कई मीलों पहाड़ी पर नहीं चढ़ना पड़ता, वो तो आपके अंदर है। और वो अल्लाह का ऐसा दोस्त है कि जब तक वो अल्लाह का दोस्त यानी आपकी रूह आपके अंदर मौजूद रहती है, आप चलते फिरते हैं, और जब वो दोस्त अल्लाह का आपके इस जाहिर वजूद से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, जाहिर वजूद खत्म हो जाता है, सब खत्म, हवस भी खत्म, बीवी भी खत्म, बच्चे भी खत्म, दौलत भी खत्म, घर भी खत्म, कारोबार भी खत्म, सब खत्म। तो रूहानियत ये बताती है हमें कि हर आदमी अपने बातनी वजूद में अल्लाह का दोस्त है, और हर आदमी अपनी जाहिर वजूद से अल्लाह की दुश्मनी मोड़ ले रहा है, जबकि जाहिर वजूद की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत अगर है तो बातनी वजूद की है, इसलिए कि जाहिर वजूद ताबे है बातनी वजूद की। अगर बातनी वजूद है तो जाहिर वजूद है, अगर बातनी वजूद नहीं है तो जाहिर वजूद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर जाहिर वजूद है तो बातनी वजूद है, ये तजर्बे के खिलाफ बात है। इसलिए कि जब बातनी वजूद जाहिर वजूद से अपना रिश्ता तोड़ लेता है तो सबके सामने कुछ भी नहीं रहता। हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं, जो तर्ज फिक्र है, जिस तरह उन्होंने साइंटिफिक तरीके पर, लॉजिक की बुनियाद पर रूहानियत से नौ इंसानी को आशना किया है, उसका मुख्तसर मगर जामे लुबाब यह है कि हर इंसान बातिन में अल्लाह का दोस्त है, क्योंकि उसने खुद अपने बातिन से नजरें चुरा लिए, इसलिए वो अल्लाह का दुश्मन बन गया और बेसुकून है। अगर मैं जो फिल वाके मैं हूं, मैं फिल वाके मैं क्या हूं? बातनी वजूद हूं। अगर मेरे अंदर बातनी वजूद नहीं है तो मैं हूं ही नहीं, बोल ही नहीं सकता। कैसा जुल्म है, कैसा सितम है, कैसा अलमिया है, किस किस्म की नाशुक्री और कुफरान नेमत है कि हर आदमी के अंदर सुकून की नहरें बह रही है और वो कभी उस सुकून की नहरों की तरफ देखता ही नहीं। जब भी देखता है बाहर ही देखता है, जब भी देखता है परेशानी की तरफ देखता है, जब भी दावत देता है बेसुकूनी को। एक तो ये कि हर इंसान के दो रुख हैं, इंसान का असली रुख यह है कि वह अल्लाह का दोस्त है, इंसान का नकली रुख यह है कि वह अल्लाह का दुश्मन है।
लेकिन सूरत हाल ये कि मालूमात न होने की वजह से इंसान अपने जाहिरी रुख को अहमियत देता है जो नकली है और अपनी असली रुख को यानी अपनी रूह को जो असली है जिसके ऊपर सारी जिंदगी कायम है उसको अहमियत नहीं देता। परंतु बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में मुराकबे को बड़ी अहमियत हासिल है। मुराकबे का मतलब ही यह है कि इंसान जाहिर वजूद से जहन को हटाकर अपने बातनी वजूद को तलाश करे। मुराकबे का मतलब यह है कि इंसान जाहिरी दुनिया में रहते हुए उसको फिक्शन मफरूजा और आर्जी करार देकर मुस्तकिल और कायम रखने वाली दुनिया की तरफ तवज्जो दे और जो उसके अंदर मौजूद है। बाहर कुछ भी नहीं है, ये जो हमें नजर आ रहा है नहीं, बाहर कुछ भी नहीं, ये धोखा है, फरेब है। अगर ये बाहर सब कुछ है तो मरने के बाद हमें क्यों नजर नहीं आता? अगर बाहरी की दुनिया सब कुछ है, खाना पीना ही सब कुछ है, तो हम मरने के बाद खाना क्यों नहीं खाते? अगर बाहर की दुनिया ही सब कुछ है, हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तो मरने के बाद हम पानी क्यों नहीं पीते? क्या हमारा हलक खत्म हो जाता है? क्या हमारा दिमाग खत्म हो जाता है? क्या हमारे हाथ, जैसे ही हम मरते हैं हमारे हाथ पैर क्या टूट के झड़ जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं? कुछ भी नहीं होता, हर चीज मौजूद होती है। आंखें भी मौजूद है, नाक भी मौजूद है, अगर आप पोस्टमार्टम करें तो दिल भी मौजूद है, लेकिन क्या चीज मौजूद नहीं है? बातनी वजूद ने इस आर्जी और जाहिरी और फना होने वाले वजूद से अपना रिश्ता तोड़ दिया। असल कौन हुआ भाई? जाहिर वजूद हुआ या बातनी वजूद? तो क्या कभी इतने सारे आप लोग बैठे हैं इस तरह आपने कभी सोचा है कि कभी आप बातनी वजूद की तरफ भी नजर डाल लें? बातनी वजूद जो रूह है, जो अल्लाह ताला की एक सिफत है, जो अल्लाह ताला का एक हिस्सा है, जो अल्लाह ताला की जान है, जान आपके अंदर अल्लाह ताला की पड़ी हुई है, लेकिन आपकी जान सोने चांदी में अटकी हुई है, बच्चों में अटकी हुई है। क्या जुल्म, क्या हिमाकत है, कितनी बेअकली है! अल्लाह ताला आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपका जहन कभी इस तरफ जाता ही नहीं कि अल्लाह अंदर बैठे हुए हैं तो उसी तरह बात तो कर लो। सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, कबूल ही नहीं होती। आखिर क्या हो जाए, क्यों कबूल नहीं होती भाई? अल्लाह ताला से हम कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग रहे हैं जो अल्लाह ताला के साथी इस्तेमाल की हो? जो भी चीज है वो मांगते हैं, वो चीज अल्लाह के इस्तेमाल की तो नहीं, सब हमारे लिए है, हमें क्यों नहीं मिलती? भाई हम अल्लाह ताला सुकून मांगते हैं, अल्लाह ताला का बेसुकूनी से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ताला से हम इत्मीनान कल्ब मांगते हैं तो अल्लाह ताला को इत्मीनान कल्ब से क्या ताल्लुक है? वो तो है ही सारा का सारा ही सुकून है। बात सिर्फ इतनी है कि हम इस आर्जी और फिक्शन जिस्म को, इस आर्जी और फिक्शन दुनिया को ही असली समझ रहे हैं, जो कि गलत है। इल्मी बात तो अलग बात है, मुशाहदात तजर्बात अलग बात है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा लोग मरते हैं। तो अल्लाह ताला ने खुद
खुद फरमाया है, अपने बंदों के लिए खुद अल्लाह ताला फरमाया है, वो फी अनफुसे को अफला तुबसिरून, कि मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं, तुम मुझे देखते क्यों नहीं हो। यानी जब कोई इंसान मुराकबा करता है, वो मुराकबे के अंदर अपनी गहराइयों में उतर जाता है, तो वहां गहराई में उसे अल्लाह ताला नजर आते हैं, अल्लाह ताला बैठे हुए नजर आते हैं, और आदमी को अपने अंदर, ये कुरान है, कुरान की बात कर रहा हूं। अब इस किस्म की जो आयतें हैं उनको लोगों ने अपनी मसलहतों की बुनियाद पर कह दिया जी मुतशाबिहात हैं कुरान में, वो तो ऐसी बातें हैं कुरान में, बताइए अल्लाह मियां अंदर कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ तो अंदर जनाब ताफुन ही है, गंदगी है। भाई खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं ताफुन और गंदगी आपके जाहिर वजूद में, बातनी वजूद में ताफुन नहीं है, बातनी वजूद में नूर है, बातनी वजूद में अल्लाह ताला विराजमान है हर आदमी के अंदर। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं जहां तुम एक हो मैं दूसरा हूं, क्या मतलब हुआ इसका? खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं जहां तुम दो हो मैं तीसरा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, इंसान भी एक शय है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान तू जो शय है, मैंने तुझे हिसार में लिया हुआ, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर तू मौजूद है, कभी उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, अल्लाह ताला कहते हैं मैं ही तुम्हारी इब्तिदा हूं, मैं ही तुम्हारी इंतहा हूं, मैं ही तुम्हारा ज़ाहिर हूं, मैं ही तुम्हारा बातिन हूं। और इससे ज्यादा अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जितनी तुम्हारी जान करीब है उससे मैं अरबों खरबों गुना ज्यादा तुमसे करीब हूं। फिर भी कोई इंसान ये कहे कि अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, अल्लाह ताला को हम तलाश नहीं कर सकते, क्या ये अल्लाह ताला की इन आयतों का इनकार नहीं? अल्लाह ताला ने कौन सी ऐसी बात कही है कि जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि बंदा अल्लाह को नहीं देख सकता? अल्लाह ताला कहते हैं ये जो तुम सुनते हो यौम अज़ल में मैंने अपनी आवाज तुम्हारे कानों में डाल दी थी, यौम अज़ल में जो तुमने मेरी आवाज सुनी थी अलस्तु बिरब्बिकुम, वही आवाज तुम्हारी समाज बन गई है। यौम अज़ल में जब तुमने मेरी आवाज सुनकर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर देखा था और मैं तुम्हें वहां बैठा हुआ नजर आया था, यही तुम्हारी बिसारत है, यही तुम्हारी आंख है। यौम अज़ल में जब तुमने मेरी आवाज सुनकर मुझे देखकर मेरी रबूबियत का इकरार किया था, कालू बला, यही तुम्हारा नुत्क है, यही तुम्हारी गुफ्तगू है। और किस तरह अल्लाह ताला आपको अपनी कुर्बत का यकीन दिलाएंगे, और किस तरह अल्लाह ताला आपको ये समझाएंगे कि यहां बंदे की हैसियत कुछ नहीं है, असल हैसियत यह है कि हर बंदे के अंदर अल्लाह मौजूद है। बंदे की हैसियत यह है कि बंदा जो आवाज सुन रहा है वो अल्लाह की आवाज को हो रही है। बंदे की हैसियत यह है कि बंदा जब बोल रहा है तो उसने पहले अल्लाह के बोलने को सुन लिया, वो वाकिफ हो गया कि बोलना क्या चीज। बंदा अगर कुछ देख रहा है तो इसलिए देख रहा है कि उसने यौम अज़ल में रूह ने उसकी अल्लाह को देख लिया है। अब इसके बाद भी कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह को नहीं देख सकता, अल्लाह को कहाँ ढूंढूं, अल्लाह मुझे कहाँ मिलेगा, इसी बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, ये अपने ऊपर जुल्म करता है, अपने ऊपर जाहिल है।
सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, इसको सब कुछ खोल कर बता दिया, उसके बाद ये कहता है कि अल्लाह कहाँ है? अंदर अल्लाह बैठा हुआ है, मैं परेशान हूं, क्या अजाब है भाई? बादशाह मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरे घर में, और मैं कशकोल लिए हुए घर घर फिर रहा हूं, भाई एक मुट्ठी आटा दे दो। बादशाह ने मुझे अपना मुसाहिब बनाया हुआ है भाई, जैसे बादशाह मेरे घर में है तो मैं उसका मुसाहिब ही हुआ ना। मैं दो दो रुपए के लिए भीख मांग रहा हूं, बादशाह ने मेरे घर में कयाम फरमाकर सारी बादशाह की मेरे ऊपर खजाने खोल दिए हैं। मैं कहता हूं मैं तो बड़ा ही मुफलिस और कलाश हूं, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये जहालत नहीं है? क्या ये कुफरान नेमत नहीं है? तो आप सब कुछ समझते हुए भी जुर्म भी करें, जहालत भी करें, कुफरान नेमत भी करें, और फिर आप रोएं भी कि भाई सुकून नहीं है, इत्मीनान कल्ब नहीं है, बड़े परेशान। ये देखना, इसका यकीन करना, बात तो देखिए इल्मी ऐसे तो बात है कि अल्लाह अंदर बैठा है, सारा कुरान कह रहा है कि मैं इंसान से करीब हूं, इंसान को मुहित हूं, इंसान के साथ साथ चलता हूं, साथ साथ रहता हूं। अब कहाँ रहता हूँ ये भी अल्लाह ने बता दिया कि कहीं वहाँ अर्श पे नहीं, अंदर रहता हूँ तुम्हारे अंदर। अब काम सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने अंदर झांकना है, हर आदमी को अपने अंदर देखना है, और अंदर देखना और अंदर झांकने का जो इस तरह ही नाम है रूहानियत में, वो मुराकबा है। कदर बाबा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुराकबा एक ऐसा अमल है, अगर उसको खुलूस नियत से और मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए तो अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक कि मैं इंसान के अंदर हूँ, अल्लाह ताला को वो देख लेता है, अल्लाह ताला की शान करीमी से फैजियाब हो जाता है, और दुनियावी मुसीबतें, दुनियावी परेशानियाँ उसके ऊपर से ख़त्म हो जाती हैं, और उसके पास सिवाय सुकून के कुछ नहीं रहता। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्तों को ना खौफ होता है ना गम होता है। सूरत हाल ये कि हम जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, बेशुमार अमलियात करते हैं कि भाई इसके नतीजे में जन्नत मिलेगी, कोई भी अमल, अच्छा अमल, नेक अमल, अमल खैर, अमल सालेह। एक बात आप हमें बताएं कि जन्नत में अल्लाह के दोस्त रहेंगे या अल्लाह के दुश्मन रहेंगे? जोर से बोलो ना सब। नहीं, जन्नत में अल्लाह के दो दुश्मन नहीं रहेंगे, यही है ना। अब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जिस बंदे के अंदर गम और खौफ होगा वो मेरा दोस्त ही नहीं है। अब हमारी क्या पोजीशन हुई भाई, जन्नत में कैसे जाएंगे? दोस्ती तो है नहीं, वो तो गम और खौफ और आदमी के ऊपर मुसल्लत है। तो ये सब कुछ हमारे अमाल जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर उन अमाल की वजह से हमारे अंदर से खौफ और गम नहीं निकला तो हम अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। इसलिए अल्लाह ने साफ कह दिया है कि मेरे दोस्तों को गम और खौफ नहीं होता। दूसरी बात ये, अगर कोई आदमी अल्लाह से डरेगा
वो अल्लाह का दोस्त होगा? इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं मेरे दोस्त तो खौफ करता ही नहीं है। जब अल्लाह का दोस्त खौफ ही नहीं करता तो अल्लाह से कैसे डरेगा? अच्छा, अगर किसी आदमी के अंदर चीज के जाय होने का गम हो जाए तो अल्लाह का दोस्त हो सकता है? माशाल्लाह यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए, मेरे ख्याल है मेरे समेत एक आदमी भी ऐसे नहीं निकलेगा जिसमें गम और खौफ ना हो। तो इस गम और खौफ को निकालने का तरीका सिर्फ एक है कि आपके अंदर अल्लाह ताला जो विराजमान है आप उसे देख लें। जब एक दफा आप अल्लाह ताला को देख लेंगे, जब अल्लाह ताला आपके सर पर एक दफा अपना पैर रख देंगे तो आपके अंदर यकीन पैदा हो जाएगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ताला से मेरी दोस्ती है, अल्लाह ताला के कदम मेरे सर पर है। जब आपको यकीन पैदा हो जाएगा तो आपके अंदर से गम और खौफ निकल जाएगा, और जब और खौफ गम और खौफ आपके अंदर से निकल जाएगा तो आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, और जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे तो आपको जन्नत कबूल करेगी। अगर आप अल्लाह के दोस्त नहीं है, जन्नत का जो दरोगा है रिजवान वो कुछ नहीं मिलेगा अंदर। और अगर आप अल्लाह के दोस्त नहीं है तो दोजख तो आपको रद्द कर देगी, दोजख आपके इंतजार में खड़ी हुई है, बल्कि आप खुद ही दोजख की तरफ चले जाएंगे। मैंने एक दफे हुजूर अंदर बाबा से अर्ज किया कि अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, अल्लाह ताला की जो मशीयत है, अल्लाह ताला की जो आदत है वो तो रहम है। इंतहाई है, कुरान पाक में अगर कहीं अजाब का तस्करा भी है तो वहां भी अल्लाह ताला ने ये जरूर फरमा दिया कि अल्लाह रहम करने वाला है, माफ करने वाला है। कोई आयत जहां तस्करा आया है अजाब का, वहां अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का तस्करा जरूर कर दिया। तो इतना बड़ा रहीम और करीम अल्लाह वो दोजख में कैसे डाल देगा? उनका नहीं, अल्लाह तो दोजख में नहीं डालेगा। साहब ये साहब दोजख 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 दोजख, जन्नत का तो कोई तस्करा नहीं करता, सारे दोजखी का तस्करा करते हैं। तो उन्होंने फरमाया, खाय साहब बात यह है कि जिसके अंदर जो चीज होती है वही बाहर आती है। अगर अंदर दोजख भड़क रही है तो दोजखी की आवाजें निकलेंगी। अल्लाह नहीं दोजख में डालते, अल्लाह के शान करीमी से ये बात बहिर है कि वो अपने छोटे छोटे मक्खी मच्छर से भी कमतर बंदों को मार डाल देते। मैं कहा हुजूर फिर क्या होगा? तो फरमाया कि जो मैं हश्र में लोग जमा हो जाएंगे, मैदान है हश्र, हर आदमी परेशान होगा, गिरोही तकसीम वहां भी है जैसे मैंने कल आपसे अर्ज किया, मैदान है हश्र में भी गिरोही तकसीम। मसलन अब सजदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले लोग जाहिर है उधर ही जाएंगे जहां हुजूर खड़े होंगे, सीधी सी बात है। भैया आप लंदन जाए, पहली दफा जाए लंदन में, आपका कोई अजीज है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आप कहां जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे, ये कुदरती बात है। भैया अगर बेटी है तो पहले बेटी के पास जाएंगे, अगर दोस्त है तो पहले दोस्त के पास जाएंगे। तो जितना जिससे जो ताल्लुक होगा उसी मुनासबत से आप के कदम बढ़ेंगे। तो जितने पैगंबरान अलैहिस्सलाम अब तक तशरीफ लाए हैं उन सब से ताल्लुक है खातिर रखने वाले गिरोह दर गिरोह तकसीम, और जितने लोग खौफजदा हैं, मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं, शैतान के दोस्त हैं, शैतान के भी तो दोस्त होते हैं जिस तरह अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो उधर चले जाएंगे और रोएंगे, परेशान होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो अल्लाह ताला अदालत होंगे, एक जलाल का आदम होगा,
तो जब अल्लाह ताला देखेंगे तो पूछेंगे भाई क्यों क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो, किस बात की आर्जी इनकी सारी, क्या 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 चाहते हो? तो वहां पैगंबर और पैगंबरों के वारिस औलिया अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे, हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह ये तेरी मखलूक है, इससे गलती हो गई, अब अपनी गलती के कफारे में ये परेशान है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमने इनके ऊपर इत्माम हुज्जत नहीं कर दिया था, क्या हमने इन्हें ये नहीं बता दिया था कि कौन सी बात ऐसी है कि जिससे ये अल्लाह की दोस्ती के हलके में आ जाएंगे, और कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह की दोस्ती के हलके से निकल जाएंगे? हम भी कहेंगे या अल्लाह अब इनसे गलती हो गई, आप इन्हें माफ कर दें। फिर ये सुनकर लोग और ज्यादा रोने लगेंगे, और ज्यादा शोर मच जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ चलो, इतना समझाया उस वक्त सुनी नहीं आया, चलो यहां से चलो खाली करो मैदान। वजू कलंदर बाबा ने बड़ी अजीब बात फरमाई कि दोस्त के लोग अस खुद दोजख की तरफ चले जाएंगे और जन्नती लोग अस खुद जन्नत की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, इसका मतलब ये अल्लाह दोजख में नहीं डालेंगे, बावजूद है कि इंसान ने अल्लाह की बड़ी नाफरमानी की, बावजूद है कि इंसान ने अल्लाह की कुफरान नेमत किया, अल्लाह की बातों को झुठलाया। ये कैसी अजीब बात है, एक बड़ा गिरोह ये कहता है कि अल्लाह को देख ही नहीं सकते, क्या अजीब बात है भाई, अल्लाह को कैसे नहीं देख सकते? अल्लाह को तो हम देख के अल्लाह की आवाज सुन के आलू बला कहकर अल्लाह की रबूबियत का इकरार करके यहां आए, हम तो देखे भाले हैं अल्लाह के भाई, जब देखे भाले तो कैसे अल्लाह को नहीं देख सकते कि हमारी आंखें फूट गई है? ये भी एक बहुत बड़ी महरूमी है कि ये तस्वूर कर लिया जाए कि कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, कोई अल्लाह की आवाज नहीं सुन सकता। और दूसरी बात ये कुरान की उन आयात को, जिन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बत का इजहार किया है, जिन आयात में अल्लाह ताला ने अपने खुसूसी नेमतों का तस्करा किया, उन आयात को मुतशाबिहात कहकर आदमी गुजर जाए। बहरहाल अल्लाह ताला रहीम व करीम है, और उसी रहीम व करीम होने की सिफत से उसने 124,000 पैगंबर भेजे और या अल्लाह का सिलसिला कायम किया, कायम है कायम रहेगा। इस दौर में नबुवत के बाद जो सबसे आला मनसब है उस मनसब पर फाइज हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह से हमारी निस्बत कायम की, ये हमारी खुशनसीबी है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अपने महबूब बंदे तक पहुँचा दिया, और उस महबूब बंदे ने भी अपनी औलाद से कोई चीज छुपा कर नहीं रखी, उसने सब बता दिया कि फला फाइल में यह है, फला फाइल में यह है, फला जगह इतना है, फला जगह उतना है। उसके बाद भी अगर हुजूर कलंदर बाबा की औलाद अल्लाह ताला से दोस्ती कायम ना कर सके तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी हो। खुदारा इस बदनसीबी को कभी करीब नहीं आने देना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह की कुर्बत को इस तरह महसूस करना है जिस तरह अल्लाह खुद कहता है। एक दफा मैंने देखा कि सुबह के वक्त मैं हुजूर को चाय दिया करता था, बड़े खुश, बहुत ही खुश चेहरे से मैंने खुश देखा,
मैं बैठ गया। बैठ के मैंने पूछा कि हुजूर आज बड़े खुश हैं, कोई बहुत ही ख़ास बात हुई है। तो मुझे अब तक हुजूर अंदर बाबा के अल्फाज याद हैं, और जब मैं मुझे याद आते हैं तो मेरे मैं अपने अंदर खुद को रोशन महसूस करता हूँ। फरमाया ख्वाजा साहब कहा करते थे मुझे, ख्वाजा साहब कुछ समझेंगे भी, रात अल्लाह में आए थे और मुझे सीने से चिमटा कर कहा मेरी जान तू किधर है। अब बताइए सर, आपका जो बाप है, आपका जद्द अमजद है, उसको अल्लाह ताला सीने से लगाकर बात करता है। तो हमारा विरसा क्या बना? हमारा विरसा यही बना कि हम भी अल्लाह के सीने से लगकर अल्लाह ताला से बात कर सकते। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने जद्द अमजद, अपने दादा, अपने बाप की तर्ज फिक्र के मुताबिक उसने हमें जो रास्ता बता दिया है उस रास्ते पर चलना है। हमारे सिलसिले में ये नहीं है कि आदमी बीवी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे और जंगल में जाकर झोपड़ी डाल के बैठ जाए। सिलसिले आले अजीमिया अपने सिलसिले के अफराद से ये भी नहीं कहता कि 24 घंटे ही नमाजें पढ़ते रहो, 24 घंटे ही जिक्र अस्कार में लगे रहो। वहां तो पहली बात कलंदर बाबा औलिया तो ये फरमाते हैं, अगर कोई बंदा अपने वालदेन का, अपनी औलाद का, अपने दोस्त का हक पूरा नहीं कर सका तो वो शिर्क कर रहा है। वो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कहा है दो गुना माफ नहीं करूंगा, एक शिर्क एक हुकूक लिबाद। तो अगर कोई बंदा घर बार छोड़कर जंगल में चला गया, वहां बैठ के उसने झोपड़ी डाल ली, तो ये तो उसने शिर्क के बराबर गुना है। उनके मुताबिक भरपूर जिंदगी गुजारो, शादी भी करो, बच्चों की तरबियत भी करो, बच्चों की सरपरस्त भी करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं करनी, वो ये कि ये दुनिया जो है, अच्छा खाना, अच्छा पहना, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, ये आपको किसी ने दी हुई है, आपकी जाति मिल्कियत नहीं। अगर औलाद को बारे में आपका ये तसव्वुर कायम हो जाए कि औलाद मेरी मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, तो वो औलाद आपके लिए नेमत है। अगर आपके जहन में ये बात आ जाए कि औलाद मेरी मिल्कियत है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, तो ये आपके लिए फितना है। आपके पास पैसे हैं, इतने पैसे जमा करना तो बहुत खराब बात है, हुजूर तो इसको बहुत ही नापसंद करते थे, जमा से बहुत नाराज होते थे, पैसे जमा नहीं करोगे थे। फरमाया करते थे पैसे की भाई सूरत ये है, जो खा लिया, जो खिला दिया, जो अल्लाह के नाम दे दिया वो अपना, और जो छोड़ गए वो दुश्मनी। आप देखें जब माँ बाप औलाद के लिए जायदाद छोड़ते हैं तो जरूरी लड़ते हैं। इसका मतलब यह कि आप अपनी आकबत खराब करके औलाद के लिए जायदाद छोड़ रहे हैं और मरने के बाद ही आपकी औलाद लड़ना शुरू कर देती। हमारे एक दोस्त थे सुल्तान साहब, नमाज साथ पढ़ा करते थे, वो जब मरे तो चार बहनें थी एक भाई था। वो जनाब सब आ गया कि पहले हिसाब करो फिर दाश उठने देंगे। वो वकील आए और क्या हुआ और किस तरह हुआ, किस्सा मुख्तसर ये कि जब वो लाश उठाई गई तो सारे रास्ते पानी बहता हुआ गया, और हाल उनका ये था हमारे उन दोस्त का
कि कभी उनकी तकबीर उला कजा नहीं हुई। इमाम साहब के पीछे बैठते थे कि ज्यादा से ज्यादा सवाब मिले। ऐसी एक नहीं हजारों मिसाल आपने भी सुनी होंगी, होती रहती। तो हमारे ने छोड़ दिया वो दुश्मनी, जो खा लिया खिला दिया अल्लाह के नाम दे दिया वो आपका अपना। और अगर आप औलाद के लिए इस तरह कर रहे हैं कि साहब मेरे बाद इनका क्या होगा, तो इसका क्या मतलब नहीं कि आप खुदा बन गए औलाद के? अल्लाह नहीं है जो उन औलाद को संभालेगा, आपको किस तरह संभाला अल्लाह, इस तरह आपकी औलाद को भी संभाल। तो वो जमा करने को बहुत नापसंद करते। अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने के लिए शिर्क का ना होना भी जरूरी है, और अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने के लिए हुकूकुल इबाद पूरा करना भी जरूरी है। तो अगर आदमी सुबह से शाम तक तस्बीह ही पढ़ता रहेगा तो हुकूकुल इबाद कैसे पूरे होंगे? बात सिर्फ तर्ज फिक्र की है, और वो तर्ज फिक्र ये कि जो कुछ आपके पास है, जो भी कुछ है, यानी आप खुद भी, वो अल्लाह की दीवी चीज है, आप उसको अल्लाह की दीवी चीज ही समझें। औलाद से इसलिए प्यार करें कि अल्लाह ने हमें खिलौने दिए हैं खुश होने के लिए, और औलाद की तरबियत इसलिए करें कि जब हम औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा। इसलिए तरबियत ना करेंगे बुढ़ापे में काम आएगा, कोई औलाद बुढ़ापे में काम नहीं आती, ये सब धोखा फरेब है। आपने औलाद को पाला पोसा सारी, ठीक है ना, छोटे बच्चे होते हैं वो बात करते हैं तो बाप खुश होते हैं, कपड़े पहनते हैं तो वो खुश होते हैं, कोई अच्छा नया बच्चे कपड़े पहन के आगे दिखाते हैं अब्बा है तो आप खुश होते हैं। बस ये हासिल है औलाद को, और क्या हासिल है? बुढ़ापे का क्या ताल्लुक औलाद से कि बुढ़ापे की लाठी बनेगी? ये सब फरेब है, ये धोखा है। सारी दुनियावी काम करने हैं, सबके हकूक पूरे करने हैं, और वो हकूक पूरे करते हुए अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह को तलाश करना है, और अल्लाह को तलाश करने का बेहतरीन और मुअस्सर जरिया ये कि आप अपने अंदर देखें। इसलिए अल्लाह बाहर नहीं, अल्लाह अंदर ही है, और अंदर देखने के अमल को हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुराक़बे करा। मेरे ख्याल है ये इख्तिताम है हुजूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तकारीब का। मेरे बच्चों ने जिस तरह इस महफिल को सजाया है, जिस तरह शब रोज मेहनत करके अपनी नींदें ख़राब करके अपना आराम तज कर हुजूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह को के मेहमाना ने गिरामी को इज्जत बख्शी है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा है, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सआदतमंद औलाद अता की कि मैं हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सामने सुरखरू हुआ। मैं आप सब लोगों का जो बाहर से तशरीफ़ लाए दूर दराज़